आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसको लिखा है मेरे लेखक साथी दीपक मशाल ने। दीपक जी उत्तर प्रदेश के कौंच के रहने वाले हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उच्चतर शोध शिक्षा पूर्ण करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के सिलसिले में पहले पेरिस शहर में और अब कोलंबस ओहायो अमेरिका में कार्यरत हैं। दीपक जी की रचनाएं, कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए अब की बार सुनते हैं दीपक जी की लिखी हुई कहानी ठेस। फिल्म तो अच्छी थी लेकिन इस एक्टर की बजाय किसी मस्कुलर हीरो को लेते तो ये और बड़ी हिट होती। शो खत्म होने पर सिने कॉम्प्लेक्स का एग्जिट गेट धकेल कर बाहर निकलते हुए प्रेमी ने प्रेमिका पर अपना फिल्मी ज्ञान छाड़ा। हो सकता है, प्रेमिका ने धीरे से कहा। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो भाई? प्रेमिका की उंगलियों में उंगलियां डाल उसका हाथ थामे लड़के ने शिकंजा कसते हुए पूछा। नहीं हुआ कुछ नहीं समीर, बस तुम्हें ये बताना था कि अगले एक दो हफ्तों के लिए तुम्हें किसी दोस्त के यहां शिफ्ट करना होगा। अरे ये क्या बात हुई? दोनों के हाथ तब तक छूट चुके थे। समझा कर यार, सुबह पापा का फोन आया था, परसों वो किसी काम के सिलसिले से यहाँ आ रहे हैं, इसी बहाने मेरे साथ रहेंगे और शहर भी घूम लेंगे। मैं नहीं चाहती कि घर वाले जाने कि मैं लिव इन में रहती हूँ। ऐसे कैसे विधि, चार दिन बाद तो वैलेंटाइंस डे है। लड़का परेशान हो उठा और उसने तंज मारा। तुम तो कहती थी कि तुम्हारी फैमिली बड़ी ब्रॉड माइंडेड है, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तो लव मैरिज की है, फिर दिक्कत क्या है यार, उन्हें बता दो ना। समीर मैं तुम्हें सिर्फ एक महीने से जानती हूँ, अभी हमें एक दूसरे को जानने को कुछ और वक्त चाहिए, और अगर पापा मेरे किसी फैसले में दीवार नहीं बनते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मर्यादा का पर्दा भी गिरा दूँ। लड़का फिर हंसने लगा और प्यार से बोला, तुम भी अजीब हो सुमी, एक तरफ मॉडर्न बनती हो और दूसरी तरफ मर्यादा की बात करती हो, फिर प्यार तो एक नजर में होता है। अच्छा तो इसका मतलब अगर तुम्हारी बहन तुमसे लिव इन रिलेशन के बारे में बताए तो तुम खुशी खुशी मान जाओगे? सुमी, समीर भीड़ की परवाह किए बिना चीख पड़ा और इस बार आवाज में प्यार नहीं गुस्सा था, ठीक वही गुस्सा जो ठेस से उपजता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, लगातार सुनते रहिए मेरे लेखक साथियों की नई नई कहानियाँ। इसी के साथ अपने साथी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।